हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम शेडिंग टेक्निक सीखने वाले हैं, जिसके लिए मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। दो से तीन ही कलर का यूज़ करके हम अच्छे शेडिंग इफ़ेक्ट कैसे दे सकते हैं और सिंपल तरीके से पेंटिंग कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले एक कृष्णा की मूर्ति बना रही हूँ, जिसे मैं पेंसिल से लाइटली एक फिगर आउट कर रही हूँ, ताकि मुझे आइडिया रहे कि इतने एरिया में मेरा वो पिक्चर आने वाला है और उसी के आसपास मैं एक शेडिंग टेक्निक देने वाली हूँ। तो आप सबसे पहले जो भी ड्रॉ करना चाहते हैं उसको इस तरह से पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए और फिर हम अब देंगे कलर इफ़ेक्ट। तो लेट्स एन्जॉय फ्रेंड्स। सबसे पहले मैंने लाइट येलो अप्लाई किया था, अब उसके बाद मैं लाइटली ऑरेंज कलर ले रही हूँ। ऑरेंज में मैंने बहुत सारा पानी मिक्स किया है और जैसे ही येलो कलर का अपना शेडिंग वहाँ पे ख़त्म होता है, वहीं से हम लाइट ऑरेंज कलर का शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ऑरेंज और येलो को मिक्स करते हुए देखिए, मैं इस तरह से उस दोनों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इवनली ब्लेंड करना है हमें, सिंपल तरीके से फ्लैट ब्रश का यूज कीजिए यहाँ पे। और जैसे जैसे हम बाहर की साइड जाएंगे, वहाँ वहाँ पे मैं डार्कर कलर यूज करती जाऊंगी। सबसे पहले जो भी कलर अप्लाई करते हो उसका एक लाइट कोट दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर डार्कर कोट अप्लाई कीजिए। जैसे मैं अब यहाँ पे ऑरेंज कलर का एक डार्कर शेड यहाँ पे अप्लाई करती जा रही हूँ। तीन ही कलर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, येलो, ऑरेंज और अब ये रेड। रेड को मैं सबसे लास्ट यहाँ पे बाउंड्री के लिए यूज़ कर रही हूँ, जो बहुत डार्क इफेक्ट देगा। आप जो भी कलर यूज़ करना चाहे उसे शेडिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। डार्क रेड के साथ अब ऑरेंज मिक्स करते हुए मैं अंदर की साइड आ रही हूँ ब्लेंड देते हुए। अब येलो कलर का जो दिया था शेडिंग, उसमें मैं ऑरेंज यूज़ कर रही हूँ। सॉरी, ऑरेंज कलर जो अप्लाई किया था उसके ऊपर अब मैं येलो कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि येलो और ऑरेंज जहाँ पे मिक्स होते हैं वो ब्लेंडिंग बहुत अच्छा लगे। एक्रेलिक कलर बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इसीलिए इसमें शेडिंग देना बहुत मुश्किल हो जाता है। वाटर कलर या पोस्टर कलर के मुताबिक हम इसमें नहीं दे पाते हैं, पर इसका मीडियम भी आता है, अगर वो यूज़ करेंगे हम इसमें डाल के तो ये थोड़े मतलब देर तक लिक्विड ही रहते हैं। मैंने यहाँ पे वो कोई मीडियम यूज़ नहीं किया है एक्रेलिक का।
मुझे कृष्णा के आसपास का येलो कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा था, तो मैं उसमें थोड़ी लाइटनेस ऐड कर रही हूँ। ब्राइटनेस ऐड करने के लिए मैंने सबसे पहले ये वाइट कलर लिया है और उसकी जो फिगर है उसके आसपास मैं वाइट पहले अप्लाई किया और उसके बाद मैंने वाइट और येलो कलर को मिक्स किया है और फिर से मैंने उसकी एक बॉर्डर दे दी। और अब जो वाइट और येलो वाला मिक्सचर था उसके ही अंदर मैं थोड़ा और ज़्यादा येलो मिक्स करके फिर से एक बॉर्डर दे दूँगी। देखिए इस तरह से शेडिंग देने से क्या होगा कि वो एक लाइट की तरह इफ़ेक्ट आएगी हमारी ब्राइटर से डार्कर की ओर। तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आ जाएगा कि कहाँ पे मुझे थोड़ा लाइट ऐड करना है, कहाँ पे मुझे थोड़ा और ज़्यादा डार्क शेड ऐड करना है। और करते जाइए जब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे सारे कलर एक दूसरे के साथ मिलकर मुझे जो जिस तरह का मतलब चाहिए वो इफ़ेक्ट नहीं दे रहे, तब तक आप उसमें कलर ऐड करते जाइए, चेंज कीजिए, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो आ जाता है। फाइनली मुझे लगा कि ये बैकग्राउंड ठीक है, तो मैंने जो वो मूर्ति बनाई थी, मूर्ति वाला पिक्चर, उसके अंदर मैं सिंपल ब्लैक कलर भर लूँगी, जैसे हमने पहले बुद्धा की ड्राइंग में भरा था या ब्लैक कलर, उसी तरह से बस इसमें भी ब्लैक ही फिलअप कर देना है। जब हमारा बैकग्राउंड कलरफुल होता है तो हमने जो ऑब्जेक्ट मतलब बनाया है तो उसको हम ब्लैक से, वाइट से या कोई एक ही कलर से फिर बिना शेडिंग दिए उसमें पूरा भर सकते हैं, तो अपनी वो जो ड्राइंग की इफ़ेक्ट है वो बहुत अच्छी आती है। इस तरह के जो पेंटिंग होते हैं वो बिगनर्स के लिए बहुत आसान होते हैं और मतलब हम इसमें से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। धीरे धीरे हम इसमें से अपने कलर्स को मिक्स करना, ब्लेंडिंग देना, एक शेडिंग क्रिएट करना, इसी से सीखते जाएंगे और उसके बाद हम वो जो आगे के स्टेप के पेंटिंग होते हैं वो आसानी से सीख पाते हैं। एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो फिर हम आगे लैंडस्केप वाले पेंटिंग भी सीखेंगे। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको भी इस तरह के पेंटिंग बनाना, आर्ट एंड क्राफ्ट करना बहुत पसंद है, तो उन लोगों के साथ भी ये वीडियो अपने शेयर करिए। यहाँ पे अपना पेंटिंग खत्म हो चुका है, देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है ये पेंटिंग। आप भी बनाइए, पेंटिंग बनाना बहुत ही इजी है, कलर के साथ दोस्ती कर लीजिए और एक ड्राइंग बुक लेके शुरू हो जाइए।